गुड आफ्टरनून एवरीवन माय नेम इज एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन टुडे आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एकदम अमेजिंग तरीके से राधे राधे टू एवरीवन गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी एक बार जल्दी से मेरे भाई सेशन को मेरे भाई सब लोग लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना स्टार्ट कीजिएगा जिन जिन ग्रुप्स में आप कर सकते हैं फटाफट से है ना वी विल नॉट वेस्ट टाइम हम फटाफट से सीधे एकदम फतेह करेंगे आज और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं चलिए भाई एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है गेट इट डन सून एवरीबॉडी राइट चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जैसा कि आपको पता है हम लोग सुबह सात बजे मिलते हैं वो कैब शो के लिए उसके बाद तीन बजे हम लोग मिलते हैं एसएससी फाउंडेशन बैच के लिए जिसमें हम लोग अभी दीस डेज डिस्कस कर रहे हैं मैराथन यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज आप लोगों को कुछ मैं एंड रेगुलेशंस भी बताऊंगा जो कि इंग्लिश में आपको ध्यान रखने तो से ही करेंगे, यानी rules, अंग्रेजी के टॉप मोस्ट बाद सारी चलिए भैया नहीं है ना के बराबर नहीं लिखा वहां पर लिटिल प्रोग्रेस ईच डे देखिए भाई हमेशा ध्यान रखो हर दिन अगर थोड़ी भी तरक्की आप खुद के फील्ड में बोलते ना खुद के अंदर आप कर रहे हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली so आपको सक्सेस मिलेगी तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम स्कोर ऑफ द डे को समझें अ लिटिल प्रोग्रेस इच डे

डबल वैलिडिटी का बेनिफिट लीजिएगा महापैक्स पर एप्लीकेबल है लाइव क्लासेस पर वीडियो कोर्सेस पर टेस्ट सीरीज पर ई बुक्स पर एवरीथिंग इट इज अवेलेबल एवरीवेर ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आगे बढ़ते हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो आज के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया है इसमें ओवरऑल अगर हम बात करें सीजीएल स्टेनो सीपीओ सबसे संबंधित हमारे होने वाले राइट right? तो आप लोगों से गुजारिश है यार सब लोग तैयार हो जाइए तैयार हैं एक बार जल्दी से सब लोग कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में यस वी आर रेडी तब तक सबको एक बार जल्दी से ग्रीट कर लिया जाए गुड आफ्टरनून दीक्षा ममता मानव शिखा संजय गुंजन संदीपता स्पर्श मुजफ्फर ममता सरस्वती आकाश रूबी फैमिना शेल थैंक यू सो मच विष्णु किरण प्रमोद दीपांशी एवरीवन एवरीवन चलिए भैया तो ताबड़तोड़ तरीके से शुरू करते हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सो so, पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है और तब तक मैं आप लोगों के साथ जुड़ जाऊंगा हे इज द फर्स्ट क्वेश्चन रूल नंबर वन हम लोग सीखेंगे इस क्वेश्चन से और आज के शुरुआत करेंगे मिल्खा सिंह जी के साथ सब लोग ट्रिब्यूट पे जरूर कीजिएगा मिल्खा सिंह जी को और आप सब लोग जानते हैं हैं ह्यूज लॉस फॉर आवर कंट्री शुरुआत करते हैं, दस सेकंड का समय आप सभी के पास फटाफट -पट से बताइए इस सेंटेंस में आपको क्या गलती लगती है तब तक मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ जाता हूँ और आप लोग यार मैक्सिम अमाउंट में सब लोग शेयर कीजिए जल्दी से है ना सभी लोग चलिए भाई देखो सब लोग शेयर करना स्टार्ट भी कर दिए ताबड़तोड़ तरीके से चलिए चलिए बहुत बढ़िया गुड आफ्टरनून पूजा शिव निकी नितिन थैंक यू सो मच यार सभी लोग है ना चलिए भाई टाइम्स आप समय समाप्त देखते हैं इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या सीखने मिलता है किसका जवाब सब सबसे पहले आया है ना यहाँ डी कुछ नहीं है वो सिर्फ बताना है क्या गलत है है ना क्या गलती आप लोगो लगी? भाई, मैं पर देख पा रहा हूं, लोगों के जवाब आ रहे हैं और बहुत कुछ है यहाँ सीखने लायक शुरुआत करेंगे सेंटेंस को पढ़ने से और पढ़कर आपको खुद गलती अपने आप में फील हो जाएगी कि भैया यही गलती है देखिए क्या लिखा है हंड्रेड पीपल आप सब लोगों ने नाम सुना होगा नाम क्या कुछ वर्ड्स एक होता है मिलियन एक होता है थाउजेंड एक होता है डजन एक होता है बिलियन ये सब अंग्रेजी के वो नाउन है नाउन है लेकिन वो नाउन है जो किसी नंबर को बताते हैं अगर इनसे पहले कोई डेफिनेट नंबर आएगा तो ये सिंगुलर रहेंगे लेकिन डेफिनेट नंबर नहीं आएगा तो प्लूरल बनाना पड़ेगा और प्लूरल बनाने के लिए किसका यूज करेंगे साथ में ऑफ का तो भैया हंड्रेड पीपल तक बात जमी नहीं क्योंकि इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो हंड्रेड तो सही है लेकिन इसके बाद क्या जोड़ना पड़ेगा अब तब जाकर सेंटेंस सही होगा इसका मतलब सेंटेंस अब क्या हो जाएगा हंड्रेड ऑफ पीपल गेदर्ड टूगेदर एंड पेड होमेज पे होमेज का मतलब क्या होता है श्रद्धांजलि देना ठीक है so जी। तो गलती भैया किस पार्ट में है? किस क्या गलती समझ में आती है है पर हम लोगों को? Hundreds of people, yeah, hundreds लिख दिया होगा और आपको rule क्या ध्यान रखना गेड डजन मिलियन थाउजेंड स्कोर बिलियन इत्यादि यानी ऐसे नाउन जो नंबर को दर्शाए अगर इनसे पहले अगर इनसे पहले कोई नंबर नहीं आ रहा तो ये प्लुरल बनेंगे और इनके साथ हम किसका यूज करेंगे ऑफ का क्लियर एवरीबॉडी जल्दी से थम्स अप करें सबको समझ में आ गया समझ में आ गया सब लोगों को सब लोगों को खींच के समझ में आ गया चलिए भाई अगला रूल आप सबके स्क्रीन पर आसान है सिंपल है नए लोग बहुत अच्छे से समझेंगे पुराने लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा समय शुरू होता है अभी जवाब दें सभी वेरी वेल डन यार खींच के सब लोग शेयर जरूर करें एवरीबॉडी बहुत बढ़िया चलिए चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन एवरीवन समय चलिए भाई समय समाप्त हो चुका है देखते हैं किस किस का जवाब सबसे पहले यहां पर देखने मिलता है इस क्वेश्चन में फटाफट से बताइए वेरी वेरी वेल वेल डन डन एवरीबॉडी देखो भैया जवाब आने लगे हैं लोगों के प्रमोद पीयूष एकदम सेवन जी की स्पीड से हैं देखिए भाई यहां लिखा है एवरीबॉडी अब एवरीबॉडी हुआ तो मन में फीलिंग आता है सब लोग सब लोग हैं तो प्लुरल करते हैं लेकिन एवरीबॉडी एक डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द है सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है बांटने वाला अगर मैं हिंदी में आपसे पूछू एवरीबडी का मतलब क्या है तो आप क्या कहेंगे सर एवरीबडी माने प्रत्येक अब प्रत्येक माने हर एक यानी एक एक करके किसी को लिया जा रहा है बात समझ में आ गई सबको सो एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी एंड शुड लव देयर कंट्री या ध्यान दीजिए यहां पर देयर की जगह क्या होगा हिज क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव तो याद रखने वाली बात एवरीबडी एवरी ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करते हैं इसीलिए इनके साथ जो वर्ब होगी वो क्या रहेगी सिंगुलर और इनका नेचर भी क्या रहेगा सिंगुलर तो इसीलिए प्रोनाउन भी क्या होगी सिंगुलर तो देर की जगह सीधे सीधे क्या होगा हैज का वो समझ में आ गया पहला नियम नंबर है अगर उसके बाद कोई डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा तो एस लगा देंगे और आगे ऑफ लगेगा और दूसरा हो गया भैया डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर अगले पर आ जाए थर्ड वन ये आया कोई तड़कता फड़कता सा क्वेश्चन चलिए भैया समय शुरू हो चुका है अभी जवाब दें सभी वेरी वेल डन ताबड़तोड़ आंसर यहां पर सभी लोगों के आते हुए बहुत बढ़िया वेल डन यार चलिए देखते हैं कौन है वो कौन है वो कौन है वो कहां से वो आया चारों दिशाओं में तेज़ सा वो छाया है। बाहुबली, बाहुबली, बाहुबली। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर वेरी गुड देखिए भैया हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं बचपन से क्या मतलब जब से पढ़ना स्टार्ट किया है कॉम्पिटेटिव इंग्लिश तो मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होती है वो किसी एंटीसीडेंट को रिलेट करती है सर ये एंटीसीडेंट हम उस शब्द को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए और रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बताए जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं सर ये रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में आते हैं जैसे द बॉय हु अब हु किसके बारे में बता रहा है बॉय के बारे में तो नोटिस करने वाली बात ये बॉय इस हु के लिए क्या हो जाता है इसका एंटीसीडेंट ठीक है भैया अब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तभी मीनिंग कन्वे कर रहे हैं अब सेंटेंस पढ़ो क्या लिखा है यहां पर आई हैव रेड शेक्सपियर आई हैव रेड शेक्सपियर वर्क अब कुछ लोग बोलेंगे सर वर्क नहीं होगा देखिए भैया कवियों की रचना क्या कहा मैंने कवियों की रचना जो होती है क्रिएशन उसको हम लोग वर्क कहते हैं वर्क माने वैसे काम लेकिन वर्क हम लोग कह है सकते हैं जब कवियों की रचना की बात है क्लियर एवरी वन अब भैया देख लो रिलेट कर रहा है को जबकि ड्रामेटिस्ट कौन है शेक्सपियर तो कैसे लिखा जाना चाहिए ये बिल्कुल यहां पर देखो सटीक जवाब सब लोगों का आता हुआ क्या होगा आई हैव रेड द वर्स ऑफ शेक्सपियर याद आ गया कि नहीं देखो भैया अच्छे अच्छे लोग गलती कर देते हैं इन क्वेश्चंस में अब देखिए अंत में आ गया शेक्सपियर साहब अब शेक्सपियर ह्यूमन बीइंग हो गया और रिलेट करने के लिए भैया आगे आ रहा है मतलब ये सही है तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिलेटिव प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट का जोड़ी तोड़ना नहीं है हम जय और वीरू हैं टूटेंगे नहीं क्लियर एवरीवन तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि एंटीसीडेंट जो होगा यानी नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन जिसे रिलेट करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन साथ में क्लियर एवरीबॉडी क्लियर है सब लोगों को बहुत बढ़िया तापर तोड़ तरीके से आंसर अगले क्वेश्चन पर आए देखो मैंने यहां लिख दिया वर्क्स मतलब पोएटिक क्रिएशन नेक्स्ट वन अब देखते हैं यहां कितने लोग पिछड़ते हैं कोहली की बात है भैया कोहली साहब के लिए गलती मत कर देना नाराज हो जाएंगे और कोहली नाराज हुए तो भैया फिर काम ना चल पाएगा हैं चलिए भैया वन ऑफ द फिटेस्ट बैट्समैन थ्रू आउट द वर्ल्ड आना इज मिस्टर कोहली मिस्टर विराट कोहली चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या गलती है यहाँ पर एक बार खींच के यार शेयर करो तुम लोग है हाँ? अभी शेयरिंग की प्रक्रिया आरंभ ही हुई है ऐसा लग रहा है मुझको तो चलिए चलिए देखते हैं भैया कौन महानुभाव इसका जवाब सबसे पहले देगा एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आंसर आएगा यहाँ पर सब लोगों का वेरी वेल डन देखिए भैया यहाँ पर होता है एक शब्द लिखा है कंपेयर्ड के साथ आ रहा है विद अंग्रेजी में होते हैं दो शब्द एक होता है कंपेयर्ड विद एक होता है कंपेयर्ड टू क्या अंतर है जान लेते हैं भैया यहां पर आंसर होगा compared to, उसका कारण देखिए भैया कोहली की बैटिंग की तुलना किससे हो रही है तूफान से अब तूफान और कोहली में कोई समानता तो नहीं है यहां मान लो थंडर स्टॉम की जगह होता युवराज की बैटिंग तो भैया सिमिलर होता तो हम क्या लिख देते कंपेयर्ड विथ युवराज बैटिंग लेकिन तुलना किससे कर रहे हैं थंडर स्टॉम से जो कि एक डिसिमिलर चीज है तो जब भी डिसिमिलर चीजों से तुलना करते हैं कंपेयर के साथ किसका प्रयोग होता है टू का सिमिलर चीजों के साथ विद का क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई एवरी वेरी वेल सिमिलैरिटी होनी चाहिए आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं अगला रूल क्या कहता है सब लोग फटाफट से आंसर करेंगे बहुत कुछ है सीखने लायक एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे समय शुरू होता है अभी जवाब दें सभी रीजन वाई ही didn't गो वॉज बिकॉज ही वॉज इल कारण जिसकी वजह से वो वहां पर नहीं गया वो ये था कि वो बीमार था कि वो बीमार था जल्दी से बताइए क्या हो सकता है देखिए भैया रीजन माने होता है कारण अब रीजन बताई रहे हो मतलब कंफर्मेशन है तो आगे भैया बिकॉज क्यों लिखना याद रखना रीजन शब्द के साथ कभी भी बिकॉज का प्रयोग नहीं करते रीजन मतलब कारण बिकॉज मतलब भी कारण तो भैया ये कारण कारण आपस में कट गए तो इसीलिए दोनों गलत हो जाते हैं सुपरफ्लूस होते हैं रीजन बताने के लिए आगे हम किसका यूज करेंगे दैट का क्लियर हो गई ये बात सब लोगों को क्या कहते हो सब लोगों को क्लियर है बिल्कुल तो बिकॉज की जगह आएगा क्या वो दैट इज दैट ठीक है क्लियर चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये हम लोग महसूस भी करते होंगे जब भी हमें डर लगता है हम कोई हमसे बस ये टेंशन ना लो मैं हूं आई यू यू नीड नॉट फियर एज एज सून एम बताओ भैया सही है या गलत सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है यह संभावना आपकी सोच इंटेलेक्ट पर डिपेंड करती है कि आप यहां क्या महसूस करते हैं सो यू नीड नॉट फियर एज सून एज आई एम विद यू जब तक मैं आपके साथ हूं अब देखो हिंदी में मैं बोल गया जब तक अब एसुनेस का अर्थ तो भैया क्या होता है जैसे ही एसुनेस का अर्थ क्या होता है जैसे ही यानी यह बताता है उस मोमेंट्री पॉइंट को लेकिन एस as का मतलब क्या होता है जब तक तो भैया जब तक है जहां जब तक है जहां जब तक है जहां तो आंसर यहां पर सून की जगह बेहतर क्या होगा लॉन्ग तो आंसर क्या होगा यू नीड नॉट फियर एज लॉन्ग एज आई एम विद यू तो मैं डरने की जरूरत नहीं है जब तक कि मैं आपके साथ हूं क्लियर एवरीबडी ये मैं बोल भी रहा हूं अपनी तरफ से भी है ना चलिए भैया आगे बढ़ते हैं सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत बढ़िया अगले रूल पर आते हैं रूल नंबर सेवन ग्यारह रूल है फिर उसके बाद हम लोग को और क्वेश्चन पर आएंगे बहुत टाइटली पैक्ड है मजेदार लेकिन सेशन को पूरा अटेंड करना है एक बार शेयर भी करना है रूल नंबर सेवन द प्रिंसिपल टूगेदर विद स्टूडेंट है होता है ना कि आजकल आप देख रहे होगे कि, कि एक लगाव हो जाता है टीचर का और स्टूडेंट का लगाव इन द सेंस मैं इस लगाव को नाम देता हूँ बॉन्डिंग जो कि समझने और समझाने के तरीके पर आधारित रहती है यार हम सब जानते हैं ए डबल पी एप्पल होता है ठीक है तो अब किसी का तरीका अलग है किसी का तरीका अलग है इट सो so, जिसको जो समझ में आए वो अच्छा है सो द प्रिंसिपल क्या आगे आ रहे हैं टुगेदर विथ चलिए भैया सीख लेते हैं टुगेदर विथ आपका क्या है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशन या फिर कोई भी क्या आ जाए प्रेपोजिशन ध्यान रखना फ्रेजल प्रेपोजिशन मतलब एक से ज्यादा शब्द से मिलकर बनी प्रेपोजिशन जैसे along विथ टूगेदर विथ एज वेल एज है ना इन एडिशन टू सपने सोने होंगे ठीक है अकॉर्डिंग टू तो ये सब होती है फ्रेजल प्रीपोजिशन हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हें मान लेते हैं कंजंक्शन तो गाइस कंजंक्शन नहीं है प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन जब भी आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी फर्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी तो आगे जो लिखा है हैव इसकी जगह होगा हैज जैसे कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोगों के करेक्ट जवाब यहां पर आते हैं

वन होता है आपका क्या सिंगुलर ठीक है वन होता है आपका क्या सिंगुलर अब वन के अलावा टू थ्री फोर कुछ भी आएंगे इन नंबर से पहले याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब होते हैं ऑर्डिनल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब सब होते हैं कार्डिनल तो भैया ऑर्डिनल से पहले वन आएगा तो तो ये सिंगुलर है लेकिन टू थ्री फोर फाइव कोई भी आएंगे तो आगे क्या हो जाता है प्लूरल तो इसीलिए फोर्थ की जगह हम यहां पर क्या रखते हैं फोर्थ फोर्थ की जगह हम क्या रखते हैं फोर्स अब इसका कारण मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि ये parts का सेंस देता है ठीक है ठीक तो इसीलिए यहां पर फोर्थ गलत होगा क्या हो जाएगा थ्री फोर्थ इज दैट क्लियर एवरी वन शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई होप यहां पर बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर है आगे बढ़े चलिए भाई नेक्स्ट पर आ जाते हैं ठीक है चलिए भाई नाइन्थ वन आई डोंट माइंड यू गोइंग आउट विद माई ब्रदर ये देखो अच्छा क्वेश्चन है आई डोंट माइंड यू गोइंग आउट विद माई ब्रदर आई डोंट माइंड यू गोइंग आउट विद माई ब्रदर फटाफट से बताइए देखिए भैया पहली बात माइंड शब्द के साथ जरेंड आता है पहली बात जब भी सेंटेंस में माइंड शब्द आएगा उसके बाद आने वाली वर्ब में क्या होगा आई एन जी एड होगा ठीक है और वो आई एन जी क्या बन जाता है जेरेंड और जरेंड है तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं वो हो जाती है आपकी नाउन जरेंड है तो उसे हम क्या नाम देते हैं वो जाती है नाउन और नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव जैसे मी सिंगिंग या माई सिंगिंग है ना मी डांसिंग या माई डांसिंग तो ये डांसिंग और सिंगिंग क्या बन गए दोस्तों ये वर्ब नहीं रहे ये बन गए आपके क्या सीधे सीधे जरेंड यानी नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव तो यू को किस में बदल देंगे बदल सब लोग शेयर करें जल्दी से है ना यार ऐसे काम ना चल पाएगा दोस्तों चलिए भैया तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी डोंट माइंड योर सिंगिंग ठीक है पहला रूल क्या है यहाँ पर माइंड के बाद आई फॉर्म रहेगा दूसरा यह आई फॉर्म क्या बन गया नाउन और नाउन है तो इससे पहले चाहिए एज्जेक्ट क्लियर एवरी आई होप अंडरस्टूड है

अब एक वाक्य में जब एक से ज्यादा डिग्री आएगी तो वो सिमिलर फॉर्म में लिखी जाएगी ये बात हम बखूबी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं लेकिन समझने वाली बात जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव आती हैं क्या कहा मैंने जब एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव आती हैं तो पहले हम क्या रखते हैं वो डिग्री जिसमें ई हो या ई

बात समझ में आ रही है तो यह सेंटेंस क्या बनेगा राम इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर क्लियर एवरीबडी तो यह ध्यान रखना वाइज़र एंड मोर इंटेलिजेंट होगा व्हेन टू एजेक्टिव जब दो विशेषण यानी एजेक्टिव कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में हो तो पहले क्या लिखेंगे भैया कंपैरेटिव मतलब ई ER वाला या ई वाला बाद में क्या आएगा मोर या मोस्ट क्लियर है, है सबको? सिंपल सा स्टेटमेंट है डार चलिए भैया लास्ट रूल ऑफ द डे पर आते हैं शी इज कनिंग इनफ़ टू टैकल हिम बताइए भैया क्या होगा यहां पर क्लेवर हो तो तो शब्द को बदल दो कनिंग में क्राफ्टी यूज करना शुरू करो यही रिप्लेसमेंट है जो आपको आगे ले जाएगा तो भैया एडजेक्टिव है क्वालिफाई इनफ कर रहा है और ये कई दफा बताया जा चुका है कि इनफ एक एडजेक्टिव भी है और इनफ एक एडवर्ब भी है इनफ एक एडजेक्टिव भी है इनफ एक एडवर्ब भी है जब यह एडजेक्टिव का काम करता है तब यह पहले आता है जैसे इनफ स्टूडेंट्स, इनफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स क्या है नाउन इनफ क्या हुआ एडजेक्टिव? लेकिन जब यह एडवर्ब का, का काम करेगा तो बाद में आएगा जैसे गोड इनफ रिच इनफ है ना ये सब आप समझते हैं तो वैसे ही कनिंग इनफ ये भी सही है इसका मतलब इसमें कोई गलती नहीं है ध्यान रखना है एडवर्ब का पॉइंट आई होप ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष क्लियर हो गई होंगी तो कितना बढ़िया तरीके से हमने सारी चीजें कैरी कर ली हैं अब आते हैं ताबड़तोड़ सेशन पर तो मैराथन की शुरुआत होगी एकदम स्पीड से तैयार हो सब लोग तो पहला क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा समय शुरू हो चुका है अभी जवाब दें सभी अब तो रैपिड फायर चलेगा एफ्लुएंट एफ्लुएंट तो हम किसे कहते हैं पैसे वाला व्यक्ति पैसे वाला या जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं संपन्न जिसे क्या कहते हैं संपन्न तो संपन्न के लिए क्या होगा प्रोस्परस सीधे करेक्ट आंसर क्लियर मीगर माने कमी इसका ऑपोजिट होगा क्लोज माने बंद या निजी तो भैया आंसर हो गया डी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भैया बाउंटी बंटी बहुत है बाउंटी बंटी को क्या मिला है बाउंटी मिला है ऐसा कर सकते हैं बंटी से कौन याद आ रहा है सेक्रेड गेम्स है ना बंटी है ना तो कहने का मतलब क्या है बाउंडी uh, बाउंटी का मतलब क्या होता है किसी को रिवॉर्ड देना किसी को गिफ्ट देना उदार बन जाना सो so, बंटी क्या है बहुत बाउंटी है डोनेशन हो सकता है गिफ्ट हो सकता है प्लेजर नहीं होगा पनिश नहीं होगा अब बताओ डोनेशन या गिफ्ट तो भैया उदारता के लिए डोनेट थोड़ी ना कर रहे हैं कि उसके बदले कुछ अपेक्षा करें

करके उनका एक सेशन आता था मिस्टिक का मतलब क्या होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी संबंधित ये मिस्टिक है क्यू यू -E, वो मिस्टिक टी आई सी होता है तो फेम भैया प्रसिद्धि को बोलेंगे रेप्यूटेशन भैया अच्छी रेप्यूटेशन है उसकी है ना आ, ओदा जिसे बोलते हैं तो भैया आंसर क्या हो जाएगा एडमायरेबल क्वालिटी मिस्टीक का मतलब क्या हो जाता है किसी भी व्यक्ति की एक ऐसी क्वालिटी जिसे आप एडमायर करते हैं उसे अंग्रेजी में मिस्टीक कहते हैं तो आंसर सी होगा वेरी वेल डन वेरी वेल डन नेहा पॉपुलैरिटी नहीं होगा फेम और पॉपुलैरिटी सेम होगा नेक्स्ट इज गैम्बेट चलिए भैया एडिटोरियल वाले लोग गलत मत कर देना गैम्बेट को है ना बड़ी शिद्दत से पूछा गया है ये फटाफट से बताइए गैमबेट क्या होगा एक बार खींच के सब लोग शेयर करें और ताबड़तोड़ आंसर करें तो गैम्बेट का मतलब क्या हो जाता है भैया किसी को जाल में फांस लेना है ना? जा, जाल बुनना किसी के अभिमन्यु चक्र है ना चक्र में फस्त हो गया है अब निकलना नहीं आ रहा है उसको है नाबेट का मतलब क्या है ट्रिक को बोलते हैं चालाकी को बोलते हैं ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी बी अब अगर नहीं होता तो ए रखते भैया है ना ऑप्शन के आधार पर फिर एक्सप्रेशन रखना पड़ता जबकि तो गलत तो है वो लेकिन क्या करें आगे बढ़े नेक्स्ट पर आते हैं चलिए भैया कोठरी कोठरे भी बोलते हैं कोटरी भी बोलते हैं कोटरी खाठरी खाठरे बताइए जल्दी से क्या होगा इसका मतलब भी अकॉटरी वर्ड का मतलब अगर मैं आपको यहां समझाऊं दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और वर्ड सब्सिट्यूशन में पूछा जाता है इसका मतलब होता है एक कम्युनिटी या मैं कह सकता हूं एक समूह समूह के लिए भैया हमारे पास मॉब तो भैया भीड़ हो गई ग्रुप आंसर फैमिली स्पेसिफाइड ग्रुप हो गया इंस्टीट्यूशन आप जानते हो संस्था को कहते हैं तो आंसर ग्रुप में ही रखेंगे ठीक है क्लियर एवरीवन आगे बढ़ लेते हैं तो भैया अभी तो समय शुरू हो रहा है तो आई थिंक सबको समझ में आ गया क्वटरी वर्ड का मतलब सीधे सीधे क्या हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रुप को कहेंगे नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए बुखॉलिक वर्ड भी पढ़ चुके हैं मैंने आपको क्या कहा अगर मॉर्निंग सेशन आप वकैब के लिए अटेंड कर रहे हो ना यू डोंट नीड एनी अदर थिंग That's the best therapy. लेकिन, होना बंदा में रबदा फिर वो क्या था उसके आगे मुझे नहीं आ रहा बुकॉलिक का मतलब क्या होता है ग्रामीण व्यक्ति को कह देते हैं शेमलेस नहीं होगा यह एबस्ट्रेक्ट आंसर है इंटॉक्सिकेटेड क्या होता है जहरीला Helpless आप लोग सभी जानते हैं तो वो नहीं होगा आंसर पर आ जाते हैं हैं बहुत बढ़िया है तरीके से. Hatch, कोई नहीं बता बता पाएगा इसका सही जवाब. मैं रहा हूं आपको. देख लेते वरना. दस सेकंड का समय है. देगा मतलब क्या हो जाता है भैया अभिशाप विज्ञान वरदान है या अभिशाप ये ऐसे लिखे थे कभी स्कूल लाइफ में वंडर्स ऑफ साइंस इज अ बेन और बून ऐसा करके टॉपिक होता था एंजोर भैया मतलब वो होता है जी चुराना, चुपचाप निकल लेना जैसे डॉज भी पढ़ चुके हो अवॉइड करना है ना जैसे ईवा का परफ्यूम देने से जी चुराना एवेड माने जी चुराना बच निकलना देट इज एवेड ठीक है क्लियर एवरीवन तु इज द करेक्ट आंसर वेल डन नॉट अरे जबरदस्त जीवन में कभी-कभी आप ही नॉस्टैल्जिक होते होगे कभी-कभी क्या अक्सर हम लोग जब किसी ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से हमें लगता है यार क्या दिन थे है ना ये यार लाइफ का वो पार्ट है यानी पुराने समय को याद करके दुखी होना है ना जैसे होम सिकनेस बोलते हैं जैसे हम घर के बाहर होते हैं व्हेन आई वाज इन तमिलनाडु आई यूज्ड टू डू दैट मन गया घर की याद आती है आई आई इन इन राजस्थान मथुरा तो घर की यादें आती है यादें आती याद नहीं तो उसे बोलते हैं है ना शांति को बोलेंगे बीमार हो गया भैया क्रिप्टिक का मतलब उलझा हुआ है ना उलझा हुआ उलझा छा सॉरी मैंने छा कर दिया उलझा हुआ ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा भैया होमसिक चलिए भैया अंतिम सुनने आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है इसका जवाब किसी गलत होना नहीं चाहिए फिल्दी है ना आजकल बॉलीवुड इंडस्ट्री फिल्दी मूवीज से भर पड़ा है।, है ना मतलब आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाना है कुछ भी मतलब राधे like, क्या कर सकते हैं मतलब कैन यू इमेजिन यू फिनिश्ड इन जस्ट ट्वेंटी मिनट्स तो मूवीज देखना शौक है आप आप बोलोगे सर राधे का देखी इतना सुन लेते लेकिन वो पहले ही दिन देख ली इतना गलती क्या हो गई अब ये मन होता है देख लो मतलब द एंट्री सीन ऑफ सलमान खान वॉज हिलैरियस मतलब पहले तो लगता था यार मजा आ गया अब आप लोग देखना हम लोग कंपेयर करते हैं साउथ इंडिया के से। वहां लो आ, आ, आती है कि वो गाड़ियां उड़ रही है। अरे वो लगता तो है तो मतलब बहुत गंदा है ना समथिंग विच इज फिल्दी तो यही मैं कहूंगा चलिए भैया एक आज आपको बीच में देखने मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप देखिए रेस चल रही है और इंपॉर्टेंट देखो ये जरूरी नहीं है हम कितना मेहनत कर रहे हैं है, हम इंपॉर्टेंट ये कितना इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं सो यू जस्ट नीड टू वर्क आउट इंटेलिजेंटली दोस्तों मैं बस यही कहूंगा अपने अपने अंदर 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 वो वो जुनून पैदा करो जोश देखो जो आपके अंदर है भरपूर है आप देखिए इंक्यानवे वर्ष की उम्र में भी ही वॉज अ फाइटर राइट मिल्खा सिंह जी की मैं बात करूं सो डोंट जस्ट वर्क हार्ड वर्क इंटेलिजेंटली राइट सो अगला क्वेश्चन आ रहा है ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करना है कोई गलत नहीं करेगा चलिए भैया फिलर है दिस बैग दिस इज द बैग इन ब्लैंक द मनी वॉज कैप्ड बताओ समय शुरू हो चुका है अभी जवाब दें सभी बेहतरीन तरीके से फटाफट बताएं बहुत बढ़िया वेरी वेल डन एवरी वन चलिए भैया समय समाप्त बार या सब लोग शेयर करें देखो म तो नहीं होंगे क्योंकि ये who's आता हुआशन के लिए हुम आता ह्यूमन के लिए अब that या which? तो देखो कब यूज करते हैं केसेस में जैसे बींगीसीडेंट जब कॉम्बिनेशन हो दो चीजों का एनिमल थिंग या ह्यूमन ठीक है दूसरा दैट कब यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के लिए तीसरा दैट हम कब यूज करते हैं इंटारोगेटिव वर्ड रिलेट करना इन तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो सीधे सीधे विच को आंसर दो तो यहां पर विच इज द प्रायोरिटी अब विच नहीं होता तो दैट रखना पड़ता है ना लेकिन प्रायोरिटी विच को दी जाएगी क्योंकि इनमें से कोई भी ये यहां पर कंडीशन फॉलो नहीं करता आगे बढ़े क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन आई नेवर फील ब्लैंक अमंग स्ट्रेंजर्स जल्दी से बताओ आएगा बढ़िया कुछ लोग होते हैं यार स्ट्रेंजर्स के बीच में आकर अपने आप को मोतला मतलब क्या महसूस नहीं करते टू सी एट इज या इन टाइम या एट अलॉस क्या हो सकता है आई नेवर फील ब्लैंक अमंग स्ट्रेंजर्स जैसे देखो स्ट्रेंजर्स होते हैं हम लोग स्ट्रेंजर्स के साथ मिले

ग्रामर अप्लाई होगी यहाँ पर है ना वर्ड से ज्यादा ग्रामर अप्लाई होगी तो ध्यान दीजिएगा ग्रामर के आधार पर आंसर कर पाएंगे सभी लोग एक बार यार सब लोग शेयर करें यार ऐसे नहीं काम चल पाएगा का बाबू लोग अः शेयर करो जल्दी से सब लोग ताबड़तोड़ तरीके से आपका भाई चाहता है आप शेयर करें है ना और शेयर तक मतलब बन जाए फीलेट ईज होता है ना फीलेट ईज इसी चलिए भाई यहां पर सीधा सीधा जवाब देखो भैया अबेज होता है खाई तो खाई से कोई संबंध है गलत अबेस्मल द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इज अबिस बिल्कुल हो सकता है है ना काफी ज्यादा अबिस्मल है इंप्रूव्ड होता तो ये होता अमेजिंग होता तो होता तो भैया सीधे-सीधे एडजेक्टिव की जरूरत है साफ बोल दो ना ये नाउन है ये वर्ब है ये नाउन है तो हमें चाहिए भैया एडजेक्टिव आंसर इज बी बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट पर आ जाते हैं प्रॉपर ग्रामर स्पेलिंग एंड पंकचुएशन ब्लैंक एसेंशियल knock knock क्या ये भी समझाने की जरूरत है हाँ सर याद आ गया ये knock knock किसी का डायलॉग है ना knock knock Uh, मैं तेरा हीरो मैं वो जो विलन होता है वो यही करता है चलिए भाई क्या क्या होगा grammar, spelling, essential. Essential, होगा होगा प्रॉपर ग्रामर स्पेलिंग आर हैव कैसे नहीं हो नहीं इज़ सकता तो आंसर क्वेश्चन सीधे -सीधे, तो का जवाब सही जो देगा ना वो सच में पढ़ाई कर टैग द वर्ड स्टडी लेकिन आपको इसको सही जवाब देना पड़ेगा जल्दी से बताएं क्या होगा मेरे दोस्तों एक बार यार खींच के सब लोग शेयर कर दिए फटाफट फड़ बस है ना यार दोस्तों फटाफट फड़ एकदम तो मतलब जबरदस्त तरीके से शेयरिंग हो जाए एक बार हाँ बिस्मल बैड होता है ना ये तो बता चुका हूं मैं मॉर्निंग वाले सेशन में जल्दी से देखिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉर अब देखो क्यों है फॉर हमने आज तक पढ़ा है फॉर माने होता है के लिए मैं तेरे तेरे लिए आया यहां पर है ना तो तेरे लिए तो लिए का मतलब पर्पस जबकि फॉर एक एक कंजंक्शन भी है और नोटिस करो इट इज ऑलरेडी लेड सेंटेंस है और लेट अस गो ऑन फूट ये भी आपका क्या ऑन फूट सॉरी फूड बोल रहा हूं ऑन फूट ये भी एक सेंटेंस है दो तो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए चाहिए कंजंक्शन अब आप नोटिस करो ये इसका आगे रीजन दे रहा है लेट अस नॉट गो ऑन फुट अब हम पैदल चलकर नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि भैया ऑलरेडी लेट हो चुका है तो बिकॉज का सेंस केवल और केवल फॉर देता है until गलत है समय की बात वैन कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा इट इज ऑलरेडी लेट नो सेंस सो केवल काम नहीं कर सकता तो आंसर इज फॉर देखिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रॉपरली वही इसका सही जवाब दे पाएंगे वेरी वेल डन सिमरन शकिल रश्मि बहुत बढ़िया दोस्तों क्लियर एवरीवन आगे बढ़े नेक्स्ट पर आ जाते हैं तो भाई क्वेश्चन को समझो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दस सेकंड नहीं तीन से, तो से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तुम अभी तक नहीं हो क्या मतलब समय की कोई परवाह है या नहीं ऐसा बोलते हैं ना हम लोग तो कब से कब तक मैं हमेशा आपको बोलता हूं सिंस मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है ना तो इन दोनों को बताने के लिए भैया फिलर एक और आया है इसका जवाब देखते हैं कौन देगा ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बताइए well well यार सब लोग एक बार शेयर करें जल्दी से खींच के एक बार सब लोग शेयर करें जल्दी से वर्ड्स हैं जबरदस्त वी आर क्रेडिट क्रेडिटेबली इनफॉर्म्ड हम लोग विश्वसनीयता से हमें इन्फॉर्म किया गया था द मर्डर गिवन हिमसेल्फ ब्लैंक टू द पुलिस उस मर्डर की वजह से उसने क्या कर दिया पुलिस को वही कर दिया तो भैया गिवन आप होना चाहिए क्विट कर दो अब गिव इन होता तो और भी बेहतर था है ना तो गिवअप का मतलब क्या कर देना सीधे सीधे सबमिट कर देना मतलब मान लेना है ना कि भैया अपन नहीं किया था इसका आंसर करो जरा देखे भैया किसमें कितना है दम कौन देगा इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर आई कुड नॉट बाय द बुक बिकॉज इट वॉज ब्लैंक आप फ्लिपकार्ट गए आपको पता चला कि भैया जो कोई भी एक वेल well नोन किताब है दस रुपए मिल रही है तो आप गए जल्दी से ऑर्डर करो पता चला भैया क्या लिखा आ गया वहां आउट ऑफ ऑर्डर सो आई कुड नॉट बाय द बुक बिकॉज इट आउट ऑफ ऑर्डर तो वो बोलते हैं ना ऑर्डर कर ही नहीं पा रहे थे आउट ऑफ प्रिंट नहीं बोलेंगे आउट ऑफ हैंड अब देखो हाँ लो भाई लॉजिक बन गया आउट ऑफ प्रिंट भी सही है यहां पर कहीं भी नहीं मेंशन हुआ है कि भैया हम बात किसकी कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट की यस तो यहां प्रायोरिटी ए को ही देनी पड़ेगी आउट ऑफ प्रिंट के वो प्रिंट ही नहीं हो रही है यस यस द द करेक्ट करेक्ट आंसर आंसर इज ए ए विल बी बिल्कुल सो आउट ऑफ ऑर्डर भी सही है लेकिन यहां पर अगर ई e मार्केट की बात होती तो हम करते ठीक है आउट ऑफ एंड नहीं होगा आउट ऑफ साइट नहीं होगा तो आंसर दोनों ए और बी सही है लेकिन प्रायोरिटी एग्जैक्टली exactly किसको दी जाएगी ए को एग्जैक्टली क्लियर एवरी ध्यान रखना इसको आगे बढ़े चलिए भाई नेक्स्ट फ्रेज रिप्लेसमेंट फ्रेज रिप्लेसमेंट के जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्तों एक बार शेयर कर दो खींच के और आप देखो इन क्वेश्चन का कमाल मतलब बेमिसाल है कमाल नहीं बेमिसाल आपके दिमाग में छप जाएंगे और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का देखना आज का टाइटल देखा था लर्न विद ईज तो ये ईज आप समझो ठीक है अब समझो जरा अंग्रेजी में एक क्रिया होती है सजेस्ट जो क्या बोलती है चीख चीख के कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट के मेरे बाद ऑब्जेक्ट आएगा और वो ऑब्जेक्ट अगर लिविंग है

हर क्वेश्चन अपना लॉजिक लेकर चलता है केवल एक ही चीज फिक्स नहीं कर सकते आप इसीलिए कहता हूं प्रैक्टिस इज फॉरमोस्ट इज द फॉरमोस्ट जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर गीता सजेस्टेड दैट हर विश्वास टू ओपन हर डॉटर टू ओपन अ सेविंग्स बैंक सेविंग्स बैंक अकाउंट बताइए तो गीता ने सजेस्ट दिया कि उसकी बेटी तो भैया टू ओपन क्यों करना सजेस्टेड जब आई गया हर डॉटर के बाद हमें चाहिए चाहिए यहां पर वर्ब वर्ब क्यों क्यों चाहिए क्योंकि आगे ऑलरेडी ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या ओपन कर रहीउंट है ना एस बी ए जैसे बोलते हैं तो भैया यहां पर टू जबरदस्ती लिख दिया है हटाओ इस टू को गीता सजेस्टेड दैट हर डॉटर हर डॉटर ओपन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट दैट हर डॉटर ओपन होना चाहिए यार यहां पर है ना सजेस्टेड है ना चलो क्या करें बी रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है बी यहां पर ओपन की जगह ओपन कर लेना ठीक है ना प्रायोरिटी अब ऑप्शन में नो no इंप्रूवमेंट तो कर नहीं सकते हर डॉटर टू ओपन है ना तो ये बोलना तो अनौपचारिक हो जाएगा और काफी ज्यादा गलत भी होगा तो आंसर के तर्ज पर बी होगा नेक्स्ट वन पर आ जाते हैं मैनेजर कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम चलिए भैया ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करें समय शुरू हो चुका है अभी देखिए भाई एबल माने योग्य ठीक है और कैन और कुड आपने सुने होंगे ये भी पोटेंशियल बताते हैं पोटेंशियल मतलब किसी की कैपेसिटी ठीक है तो पोटेंशियल और योग्यता दोनों समान ही होती हैं। तो कुड और एबल का है भैया एक साथ लिखना कोड और एबल क्यों लिखना है एक साथ तो सीधे सीधे अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा The manager was not able to understand. B के साथ बदल दो किसका B plus able to. जिसका मतलब भी क्या होता है है बताना ठीक है? तो कुड तो सीधे -सीधे. नॉट ये भी कर सकते हैं ऑप्शन में नहीं है ना कुड नॉट टू लिखा है कुड नॉट टू अंडरस्टैंड गलत होता कुड नॉट अंडरस्टैंड होता तो सही हो जाता ठीक है ना तो बी ऑप्शन मत लिखना ये टू हटेगा तब सही होता क्योंकि कुड can may might सब मॉडल है मॉडल के साथ चाहिए फर्स्ट फॉर्म क्लियर है ना चलिए भैया आगे आ जाते हैं मोहन इज अ गुड एक्टर बट हिज ब्रदर इज बेटर देन हिम लो भैया है ना लो बेटर को अंडरलाइन करते हैं बेटर है अंडरलाइन जल्दी से बताइए क्या होगा तुम लोग शेयर ना करोगे ना भाई से यही नाराजगी है है ना बोला तो कुंजन टू नहीं आएगा तब करेंगे वेल डन शकील थैंक है ना सब लोग एक दूसरे को आंसर कर देते हैं That's really, very good. है ना? चलिए चलिए जल्दी से बताइए डन well तो भैया नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है क्या जरूरत है कुछ भी इंप्रूव करने की इसमें सही तो लग रहा है सब नो इंप्रूवमेंट सी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल वेरी वेल डन दोस्तों शानदार नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डबल वैलिडिटी लैब हो चुका है अपना महापैक एनरोल करो कोड यूज करो वाई टू सेवन एट एस एस सी महापैक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन फ्रेज रिप्लेसमेंट वन सेकेंड जल्दी से बताना है सबको रवि ट्राइड टू एक्सप्लेन हिम द प्रॉब्लम बट ही रिफ्यूज टू तो लिसन 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 ही टू लिसन ध्यान दीजिएगा एक्सप्लेन पहले तो एक बात यही क्लियर है कि के साथ वन आएगी तो भैया no तो गया. गया. तो प्रॉब्लम टू हिम ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट ही रिफ्यूज टू लिसन तो भैया देखो टू हिम लिखे या नहीं देखो सीधी बात यहां पर समझते हैं टू हिम तो लिखना पड़ेगा ना

चिल्ड्रन रन आउट ऑफ द क्लास चलिए भैया फटाफट आंसर करें सभी लोग कहां गिर गए यार तुम लोग तो एकदम पीछे चले गए शेयर करो जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर देखो भैया डेड आ रहा है तो रैंक तो हो नहीं सकता ये बात तो कन्फर्म है डेड आ रहा है और नो सूनर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर बात यह भी तय है ही होगा ए इज द करेक्ट आंसर आ जाते हैं चलिए भैया एक छोटा सा है, simple सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ है सीखने लायक अब देखते हैं कितने लोग इसका सटीक जवाब देते हैं वेल डन एवरी एक बार जल्दी से बताइए क्या हो सकता है यू मस्ट ब्लैंक योर गोल्स विद ऑल सीरियसनेस इफ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन योर लाइफ फटाफट बताएं क्या हो सकता है वेरी वेल डन वेरी वेल डन एवरीबॉडी देखते हैं कौन है जो इसका सही जवाब देगा देखो भाई चेज जो होता है ना वो ड्रीम्स के लिए होता है बोलते हैं ना चेज योर ड्रीम्स तो गोल्स नहीं होगा ठीक है ना परसू योर गोल्स गोल्स का पीछा करना बिल्कुल होगा रियलाइज योर गोल नहीं यू मस्ट रियलाइज योर गोल्स विथ ऑल सीरियसनेस रियलाइज टू सीरियसनेस से क्यों करना डायरेक्ट टू समथिंग होता तो भैया आंसर यहां पर सीधे सीधे क्या होगा परसूज अ बेटर वन ठीक है ये ध्यान रखना आगे बढ़े नेक्स्ट पर आते हैं चलिए भैया दीज मेडिसिन विल बी ब्लैंक ओनली इफ दे आर टेकन रेगुलरली तो भैया मेडिसिन क्या होती है यूजफुल बिल्कुल हो सकती है इफिशियंट अनौपचारिक शब्द लग रहा है रखने को रख सकते हैं अफेक्टिव होगा नहीं इफेक्टिव अब भैया मेडिसिन क्या होती है इफेक्टिव होंगी ना इफेक्टिव नहीं होता तब चुनते यूजफुल

वॉइस बदल दो एकदम आवाज बदल दो ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर एक हिंट मैं दे दू चेंज नहीं करते वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता ठीक है जिस फॉर्म में जो चीज वहां लिखी है उसी को वहां पर करार करते हैं अब देखो द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट ऑलरेडी अब देखो पैसिव होगा तो बी के साथ थर्ड फॉर्म मिलेगी बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं इज एम आर A या B, पर थोड़ी सी लड़ाई हो सकती है कुछ लोग अभी ए वाले आ रहे हैं क्या जल्दी से देख लेता हूं पहले मैं ऑप्शन में ए वाले लोग कौन कौन आ रहे आप जल्दी बताओ यार ताबड़तोड़ तरीके से एक बार शेयर कर दो सब लोग देखो भाई ऑप्शन ए गलत नहीं होता लेकिन ये एक फैक्ट नहीं है अगर ये होता ना डॉक्टर आप क्या करते इसीलिए आपको डॉक्टर लिखना पड़ेगा तो प्रायोरिटी पर बी है लेकिन अगर ये फैक्ट होता तो हम ए को ही चुनते द पेशेंट इज ट्रीटेड बस ठीक है ना आगे बढ़े चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं द चिल्ड्रन द फ्लावर्स द चिल्ड्रन हैड प्ल्ड ऑल द फ्लावर्स जल्दी से बताइए समय शुरू करते हैं आप लोगों का और आप लोगों का समय तो चल ही रहा है भाई दूसरे का समय तो आया नहीं नहीं दोगे तो तुम लोग एक बार यार शेयर करोगे भाई के लिए के नहीं एक बार खींच के शेयर कर दो यार एकदम लाइक की संख्या क्यों बढ़ा मतलब आपको बुरा लग रहा है कि पढ़ना ऐसे ना करो यार लाइक वाइक कर दिया करो हम टी सीरीज का गाना थोड़ी ना सुन रहे हैं कि कोई भी गाना जो टी सीरीज रिलीज कर रहा है कबीर के दोहे तो भाई बहुत शानदार गाये हैं The children had plugged, देखो पास में में आएगा तो हो 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 गया, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया. खत्म खत्म बात. Option basis पर बात. पर पर अपन सीधी अगले आ जाओ. चलो narration. अब narration में टेंस चेंज होता है और वो भी कब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब आपका जब पास्ट में होगा तभी आगे क्या चेंज होगा आपका सीधे सीधे नरेशन यानी रिपोर्टेड स्पीच क्लियर एवरी वन चलिए देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है ताबड़तोड़ तरीके से बलडा well बहुत बढ़िया यार एक बार सब लोग जल्दी से एकदम शानदार तरीके से आंसर करें समय समाप्त देखो भाई प्रेजेंट परफेक्ट नरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं पढ़े रिकॉल कर लेते हैं जब भी रिपोर्टेड स्पीच यानी के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा उसे किस में चेंज करेंगे पास परफेक्ट तो भैया पहले में चेंज हुआ नहीं हुआ दूसरे में हुआ हैड टू कहे का ये भी गलत आर गलत सीधे डी आंसर हो गया ना यार कुछ करना ही नहीं पड़ा दूसरी बात बी आपका होता है फर्स्ट पर्सन और सन का नियम अप्लाई करें तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है एस यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारे कौन है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स के लिए हो जाएगा दे है कि नहीं तो आंसर हो जाएगा दे यानी डी मतलब दे मतलब डी नेक्स्ट पर आ जाते हैं द टीचर सेज टीचर कहते हैं क्या कहते हैं भैया द सन राइज इन ईस्ट ठीक है भैया उगता है तो उगता है हम क्या कर सकते हैं उसमें है ना तो टेंस का है बदल दिया यार ये बात हमेशा ध्यान रखना ये अक्सर ये कोई ऑप्शन मुझे मतलब निराश कर देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस हम कभी नहीं बदलते वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब भाई जैसा कहा है उसी टोन में ही तो कहोगे लेकिन जो बात कही है उसको बदल सकते हो लेकिन भाई यहाँ पर एक और समस्या आ गई आगे कह दिया यूनिवर्सल ट्रुथ उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते तो सीधे के सीधे हमको इसको सेज को सेज रखना पड़ेगा पहले तो ये भी दोनों गए टेंस चेंज हो रहे हैं सेज दैट यहाँ रोज कर दिया तो आंसर ए हो जाएगा सीधे सीधे ए इज द अप्रोप्रिएट आंसर अरे वही तो मैं बता रहा था समझे नहीं ट्रीटिंग वाला ऑप्शन था वहां पर अगर फैक्चुअल बात होती ना तो हम बिना के डॉक्टर वाला रखते है ना लेकिन वो कंटिन्यूटी की बात हो रही है तो जिस मोमेंट पे इंसान ने बोला होगा यार इलाज कराना चाहिए कर रहा है डॉक्टर डौक, तो वो उस मोमेंट को हम बता रहे हैं इसीलिए प्रायोरिटी हम उसको ही देंगे You got my point, Neha, और या जो भी लोग लोग आप क्वेश्चन लो पूछ रहे हैं आप थोड़ा सा इस चीज को समझो हम फैक्चुअल डिस्कशन जब करते हैं ना तब उसको रखते ठीक है बात बात समझ में आ गई ध्यान रखना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं. And बहुत appropriate है ये ठीक है ना गलत नहीं है फर्स्ट लेकिन कंटिन्यूटी के आधार पर हम प्रायोरिटी एक ही देंगे ठीक है आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन वॉइस बदल दो कैन यू रीड दिस बुक कैन यू रीड दिस बुक जल्दी बताओ भैया तो यह यहाँ तो टेंस चेंज हो गया वॉइस में टेंस चेंज होता नहीं है ये होगा नहीं इन दोनों में से बताओ जल्दी क्या होगा कैन यू रीड दिस बुक कैन यू रीड दिस बुक कैन दिस बुक बी रेड बाई यू बिल्कुल यहाँ हैव कहा से आ गया आंसर सी हो जाएगा बात ही खत्म यार इसमें कुछ करना ही नहीं था अरे मैंने बोला आपको पढ़ाया जाता है फैक्ट है ना आपको पढ़ाया जा रहा है अब हो सकता है कि पढ़ाने का काम कोई और भी कर रहा है क्योंकि आप कंटिन्यूटी बता रहे हो आप फैक्ट नहीं बता रहे इसीलिए आपको कंटिन्यूटी में बाई लिखना पड़ेगा पॉइंट दैट हम लोग जब फैक्चुअल डिस्कशन करते हैं ना तब वहां पर यह मेंशन होती है इधर उधर कहीं डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है सीधी सीधी बात यही समझ लो जो बात मैं बोल रहा हूं वही एप्लीकेबल है जल्दी से बताएं आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट पर आ जाते हैं देखो भाई कंफर्ट जोन तो छोड़ना पड़ेगा ये बात ध्यान रखना इंसान वही आगे बढ़ा है जिसने कंफर्ट जोन त्यागा है रिस्क को और तभी वो ग्रोथ पर पहुंचा है सो टेक द जम्प दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल टू टेक द जम्प राइट जंप लीजिए रिस्क लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और यही जंप है जो हमें कहीं ना कहीं पहुंचाएगी चलिए भैया नरेशन फटाफट से बदल दें सभी लोग समय शुरू हो चुका है अभी जवाब दें सभी कोई बात नहीं अभी लास्ट में एक्सप्लेन करता हूं साहिल सेट टू रोहित आई डोंट हैव द कार की साहिल सेट टू रोहित आई डोंट हैव कार की तो नरेशन बदलना है तो प्रेजेंट सिंपल किसमें चेंज होगा पास सिंपल में पास सिंपल ये है ये नहीं है ये भैया वॉज हैविंग गलत हो गया ये गलत हो गया आंसर सीधे सीधे क्या हो गया ए मैंने आपको क्या कहा नरेशन हुआ वॉइस हुआ ऑप्शन के बेसिस पर खत्म हो जाते हैं ठीक है ऑप्शन के बेसिस पर क्लियर हो जाते हैं बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है आगे बढ़े नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए भाई ओपन द डोर ओपन द डोर ये तो दुनिया मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है ओपन द डोर हम लोग किसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को ठीक है अब इंपेरेटिव सेंटेंस भी ये कौन सा है कमांड और ऑर्डर वाला इंपेरेटिव सेंटेंस भी ये कौन सा है कमांड और ऑर्डर वाला ठीक है अब जरा ध्यान दो कमांड और ऑर्डर वाला है तो भैया किससे बनता है लेट से तो आंसर हो गया बी लेट द डोर बी ओपन सीधी बात नेक्स्ट पर आ जाते हैं अच्छा समय ही शुरू नहीं किया क्लियर है ना ये चीज सब लोगों को द डोर इज ओपन बाय मी मतलब कुछ भी करना है इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स तो ये स्ट्रक्चर होता है ठीक है जब कमांड और ऑर्डर हो नेक्स्ट पर आते हैं चलिए भैया पैरा जंबल का बढ़िया क्वेश्चन 20 सेकंड का समय ले लेना कोई ऐसा इशू नहीं है बट आंसर सब लोग करना चलिए भाई जल्दी से बताइए बहुत बढ़िया वेरी वेल डन एवरीवन द बलून टुक ऑफ स्लोली द स्पेक्टेटर्स स्पेक्टेटर्स के नहीं बोलते हैं दर्शक गण ठीक है द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम बट सून दे वर आउट ऑफ साइट विद इन मिनट्स दे वर हाई अबव द फील्ड्स देखते हैं भैया किसका जवाब सबसे पहले आता है यार एक बार सब लोग जल्दी शेयर करो यार ऐसे काम ना चलेगा शेयर करें जल्दी से सब लोग चलिए भाई पीयूष का जवाब आ गया बाकी लोग फटाफट फटाफट आंसर करें सभी लोग है ना ज्यादातर लोग ए कह रहे हैं देख लेते हैं जल्दीबाजी में जवाब भी मत देना है ना हैव पेशेंस डोंट बी डों पेशेंट राइट चलिए भैया द बलून टुक ऑफ स्लोली ये बात तो सही है भैया ए से ही शुरुआत होगी ठीक है तो मतलब आई मीन पी से शुरुआत होगी तो ऑप्शन यहां पर सी और डी तो गए अब देखो पी के बाद एस या आर ये देखने मिलता है द बलून टुक ऑफ स्लोली बट सून देवर दे मतलब स्पेक्टेटर किसी और के लिए आ रहा है the balloon took off slowly within few minutes they were high they were high above the fields भैया यहां पर कुछ देर में वो ऊपर हो गया ठीक है तो भैया आंसर मुझे लगता है आर से बेहतर ये है ना बट सून दे वर आउट ऑफ साइट पहले ऊपर उड़ा तभी तो आउट ऑफ साइट होगा बिल्कुल सो so पी के बाद एस रहेगा ये बात सही है ये बात क्लियर है सब लोगों को उसके बाद द स्पेक्टेटर्स वर स्टिल वेविंग टू देम बट सून दे वर आउट ऑफ साइट ठीक है भैया आंसर हो जाएगा ए नेक्स्ट When Rama was 22, she bought a second hand car. ठीक है भैया देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं इसका क्या बात तो मैं क्वेश्चन क्या विदेश से थोड़ी ना लाऊंगा तुम लोगों को बताऊंगा ही। तुम लोग कॉम्पिटिशन क्या है है ना कुछ क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर के मैं क्या बोलता हूँ मैं इधर उधर के क्वेश्चन जबरदस्ती नहीं लाता है ना दे आर एक्चुअली एग्जाम ओरिएटेड या एग्जाम जैसे रहते हैं वेल well डन बहुत बढ़िया बताइए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका सटीक जवाब एवरी वन सी आंसर आया है सबसे पहला व्हाट अबाउट अदर्स बाकी लोग पी आर एस क्यू पी आर एस क्यू चल रहा है देख लेते हैं भैया पी आर एस क्यू है क्या बिल्कुल पी आर एस क्यू है देख लेते हैं रमा शी बॉट अ कार ठीक है शी टू टू एंड फ्रॉम हर ऑफिस कंफर्टेबली ठीक है उसके बाद इट वर्कड वेल फॉर अ फ्यू ईयर्स वो कुछ साल तक तो बढ़िया चली फिर उसके बाद बट नाउ इट इज कॉस्टिंग आर अ लॉट ऑफ रिपेयर तो बिल्कुल सही जवाब हो जाता है यहाँ पर सी नेक्स्ट पर आ जाते हैं वन वर्ड सब्टीट्यूशन पर्सन विदाउट अ होम अ जॉब और प्रॉपर्टी फटाफट बताइए क्या होगा केयरफुल मॉगल डायरेक्ट या अटेंटिव एलिमिनेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा एलिमिनेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा इसका तो एक बार यार सब लोग शेयर करें जल्दी से है ना आज तो मतलब तुम लोग 150, 170 भी ना ले गए हैं चलिए भाई कोई बात नहीं बट स्टिल इट्स फाइन फटाफट से सब लोग शेयर करिए जल्दी से क्या होगा इसका सटीक जवाब एवरीवन वेरी वेल डन देखो जवाब मॉगल कह रहा है अगला इंसान है मोगल पैसे वाला होता है मोगल वर्ड किससे बना है मुगल से मैग्नेट टाइकून कितने बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग ये वर्ड डायरेक्ट बोलते हैं उस इंसान को जिसके पास ना उसका खुद का घर है ना जॉब है ना प्रॉपर्टी है तो आंसर क्या हो जाता है डायरेक्ट वेरी वेल डन तो जिन्होंने जवाब सी दिया दे आर गुड मोगल मतलब धनी है ना मुगल से बना है मैग्नेट अत्यधिक पैसे वाला है ना दैट इज द वन चलिए भैया अगले पर आते हैं वन हु रंस अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ एक व्यक्ति जो जस्टिस और लॉ से भागता रहता है उसे क्या बोलते हैं फगेटिव एपडिकेटेड अबेंडन या एलोड जल्दी से बताइए समय शुरू हो चुका है दोस्तों सभी लोगों का फटाफट फटाफट आंसर -फटा करें तो भैया वो होता है भगोड़ा भगोड़े को क्या बोलते हैं फगेटिव abdicated क्या होता है त्यागा हुआ abandond त्यागा हुआ abdication क्या होता है जैसे राजपाट त्याग दिया abdicate बोलते हैं ना eloped मतलब छिपकर निकल जाना है ना तो eloped का मतलब नजरें वजरें छुपा के निकल जाना लेकिन जस्टिस वगैरह से भागने के लिए forgette वर्ड ही क्या है suitable और fixed वर्ड है तो आंसर के तौर पर ए होगा अगर ए नहीं होता तो eloped रखते ठीक है तो आंसर ए याद रखना एग्जैक्ट आंसर जस्टिस लॉ वगैरह के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं वर्ड का ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं चलिए भैया सर्च फॉर समथिंग किसी भी चीज की तलाश करना समय शुरू होता है अभी जवाब दें सभी फॉरेज फाइंड क्वेस्ट या फिर वॉरंट चलिए जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर एवरी वन वेरी वेल वेल डन वेरी डन देखिए भैया पहला वर्ड लिखा है ये भी तलाश करना होता है लेकिन खाने की फाइंड मतलब खोजना क्वेस्ट क्वेस्ट मतलब किसी चीज की तलाश करना है ना? क्वेस्ट होता है ना होता तो भैया आंसर क्या हो जाएगा क्वेस्ट ही होगा प्रायोरिटी हम सी को देंगे वॉरंट किसी का इश्यू किया गया है है ना किसी के खिलाफ कोई चीज ऑथेंटिकेट हो गई भाई उसको पकड़ के लाओ वॉरंट हो गया तो आंसर के तौर पर क्या हो जाएगा यहां पर क्वेस्ट क्वेस्ट नहीं होता तो फरेज करते है ना ध्यान रखना। पर आते हैं। चलिए भैया। बिल्कुल। a violent एक बहुत खतरनाक विंड आया है। उसे क्या कहते हैं Storm, avalanche, या फिर tempest? देखते हैं भैया किसका जवाब सबसे पहले आता है इस क्वेश्चन का वेरी डन स्टॉम तूफान एवलांज होता है बर्फ का तूफान ये नॉर्मल तूफान होता है तूफान मूवी भी आ रही है पता है तुम लोगों को जुलाई में प्राण अख्तर साहब एवलांज बर्फ का तूफान बर्फ का तूफान बवंडर को बोलते हैं टैम्पेस्ट टैंपेस्ट इज द करेक्ट आंसर आंसर होता है डी नेक्स्ट पर आते हैं भैया हैविंग मेनी स्किल्स किसी के पास बहुत सारी स्किल्स हैं चैंपियन मल्टी टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल या वर्सिटाइल जल्दी से बताइए फटाफट क्या हो सकता है देखो ये चैंपियन तो कोई भी हो सकता है जिसने विजय प्राप्त की है जीता है वो चैंपियन है है ना सिकंदर है मल्टी टैलेंटेड बिल्कुल हो सकता है लेकिन हमें चाहिए वन वर्ड तो ये दो वर्ड हो गए तो आंसर गलत होगा इंटेलेक्चुअल तो भैया बुद्धिजीवी होता है ज्ञानी जिसे बोल सकते हैं जो किसी भी चीज को डील कराया है वर्सिटाइल इज अ प्रॉपर आंसर वर्सिटाइल आपका क्या हो जाता है सटीक जवाब ही इज क्वाइट वर्सिटाइल राइट ये काम भी कर सकता है वो बोल भी सकता है वो गा भी लेता है जैसे आयुष्मान खुराना एक्टर भी है सिंगर भी है, है डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन so है है बताइए जल्दी से इसका ईडियम और फ्रेज क्या होगा कुकू इन द नेस्ट एंड अनवेलकम इंट्रूडर स्ट्रेंजर एंड एलियन या फिर गुड फ्रेंड देखिए भाई आप लोगों ने अक्सर सुना होगा वो मूवी देखिए थ्री इडियट्स तो शुरू में जब प्रोफेसर प्रोफेसर के डायरेक्टर साहब आते हैं तो वो कुकू का ही बताइए है, पता है किसका नेस्ट है तो बोलता है वही कि वहीकू का कि जो कोयल बर्ड कभी अपना घोंसला नहीं बनाती वो दूसरे के घोंसले में अंडे देती है सो अ इन द नेस्ट मतलब नेस्ट किसी का घोंसला था कुकू यानी ऐसा व्यक्ति आया जिसे आप बुला नहीं रहे थे तो उसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं एंड अनवेलकम इंट्रूडर उसे हम लोग क्या बोलते हैं एंड एंड

तापर तौर तरीके से सब लोगों के आंसर यहाँ पर आते हुए देखते हैं कौन है वो जो सबसे पहले जवाब देगा हु गन अभी द फर्स्ट वन टू आंसर दिस एक बार यार सब लोग शेयर करें जल्दी से है ना चलिए भाई जवाब यहां पर आने लगे लोगों के वेरी वेल डन वेरी वेल डन दोस्तों क्या बात है देखो हमारे बीच रमजान सर आज थैंक यू रमजान सर चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या होगा वेरी वेल डन एवरी वन देखिए भाई सिंपल सा आंसर है पर सब लोगों ने जो आंसर दिया है बिल्कुल पी क्यू एस आर है मतलब पी और क्यू यानी शुरुआत पी से होगी प्रताप बॉस थर्टी ईयर्स ओल्ड वेन ही गॉट मैरिड जब उसका विवाह हुआ तब वो तीस साल का था ठीक है अब आगे देखते हैं हिज एम्बिशन वॉज टू बी अ गुड फादर टू हिस्स चिल्ड्रन ये भी सही है भैया

फटाफट फटाफट आंसर करें अ बैड हेयर डे अ डे ऑफ इलनेस अ डे नो रेन अ डे या फिर इन डिफिकल्टीज देखिए तो है तो मतलब बोलते हैं ना सिर्फ मतलब सब कुछ प्रॉपर खराब हो चुका है तो इलनेस नहीं बोलेंगे ये स्पेसिफाइड हो गया अ डे वैन नो रेन ये भी नहीं होगा अडिस हैं डिस हैं डिसऑर्डर कह सकता हूं जिस दिन सब चीज क्या हो जाए डिसऑर्डर्ड तो आंसर क्या हो जाएगा ए आई मीन सी इज द करेक्ट आंसर अब सी नहीं होता तो डी रखते के भी ये डिफिकल्टीज हो जाएंगी सब अवस्थ व्यस्त हो जाएगा तो ऑप्शन के आधार पर सी को चुना जाएगा ठीक है डिसरेड नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए भैया एंटर्निम बताना है लीनियंट का फटाफट से बताइए लीनियंट किसे कहते हैं लीनियंट कौन व्यक्ति होता है पहले तो ये बताओ लीनियंट मतलब होता है उदार एक इंसान जो काफी ज्यादा क्या है उदार है काइंड है ठीक है उसे हम लोग क्या बोलते हैं अब इसका ऑपोजिट बताना है Obstinate का मतलब क्या होता है अड़ियल या जटिल या जिद्दी अड़ियल जिसे बोलते हैं का मतलब क्या होता है इरिटेटेड रूड का मतलब क्या होता है भैया रूड अनसिविलाईज बोल सकते हैं जिसे हम लोग हार्श तो उदार का उल्टा क्या होगा हार्श कठोर तो आंसर क्या हो जाएगा डी सो डी इज द एग्जैक्ट आंसर अब रूड जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा रूड बिहेवियर के आधार पर हम तय कर सकते हैं हार्श जो होता है ना वो एग्जैक्ट वर्ड को डिफाइन करता है इसीलिए हम लोग यहां पर लीनियंट के लिए किसको चुनेंगे हार्श को क्लियर तो डोंट थिंक कि सर रूड सुन ले रूड चुन सकते हैं लेकिन वो एब्स्ट्रैक्टली जब हार्श नहीं होता ठीक है चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट वन आता है बिल्कुल बताइए फॉर्मर का एंटोनिम या ऑपोजिट फटाफट बताए सब लोग क्या हो सकता है वेरी वेल well डन एकदम ताबड़तोड़ तरीके से सब लोगों के आंसर यहां पर आते हुए बहुत बढ़िया फॉर्मर माने पहले वाला जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो बाद वाले को क्या बोलेंगे नेक्स्ट हो सकता है लेटर हो सकता है अपकमिंग हो सकता है फॉरवर्ड आगे नहीं होगा देखिए भाई ये सब आंसर तो सही है लेकिन एग्जैक्ट जो वर्ड है फॉर्मर के लिए वो क्या होता है लेटर एग्जैक्ट जो वर्ड है वो क्या हो जाता है लेटर एल ए डबल टी आर हाँ भी होता है देखो आपने खुद बोला ना भी होता है तो भी के आधार पर हम लोग नहीं पहले ही के आधार पर चलेंगे ठीक है ना पीयूष मेरे भाई याद रखना तो नेक्स्ट ना होते हुए लेटर को चुनेंगे बाद वाला। ये पहले वाला ये बाद ठीक है चलिए भैया आगे बढ़ लेते हैं इरोडाइट इरोडाइट वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं और ये कई बार मॉर्निंग सेशन में देख चुके हैं आप लोग कि किस तरह से वन वर्ड में भी हमने ये पढ़ा है तो एक व्यक्ति जो इरोडाइट है मतलब उसे क्या कहते हैं ही इज मैं बोल सकता हूं वेल well नॉलेज उसे मैं इंटेलेक्ट भी कह सकता हूं उसे मैं हाईली uh, इंटेलेक्चुअल इंसान भी कह सकता हूं लर्निड स्कॉलर जिसे कहते हैं तो भैया यह यहां पर क्या हो जाएगा दैट इज इग्नोरेंट है ना जिसको कुछ नहीं पता प्रोफेशनल नहीं होगा इमेच्योर तो बिहेवियर के लिए होता अनइमेजिनेटिव भी नहीं होगा यानी जिसके बाद में हम कल्पना ही नहीं कर पा रहे राइट right? तो आंसर के तौर पर सीधे सीधे क्या होता है इग्नोरेंट आगे बढ़ते हैं भैया चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं चलिए भैया लास्ट एंटोनिम जो है वो है दैट इज फीकेंड जल्दी से बताइए जल्दी से आंसर करना है सभी लोगों को फीकंड वर्ड का आंसर क्या होगा बैरन सोलिड अनप्लोड चलिए भाई ताबड़तोड़ तरीके से यहां पर सभी लोगों के आते हुए है ना एक और बात ध्यान रखना यार सभी लोग क्या कल दस बजे वन टिप वन एंड है ना मतलब एकदम ताबड़तोड़ तरीके से देखो भैया फिकंड मतलब फर्टाइल तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बैरन यानी बंजर जमीन अगर उपजाऊ नहीं है उसे क्या कह देते हैं बैरन और

फ्रूटफुल फर्टाइल दोनों रहते हैं है ना चलिए भैया क्या होगा इसका आंसर संडे को सिर्फ संडे संवाद होगा कल है ना नौ बजे संडे संवाद में सब लोग मिलेंगे ठीक है तो बिल्कुल देखो डिस्क्राइब मतलब किसी चीज का विवरण देना ही होता है तो डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लिखते जैसे कल हमने पढ़ा था अटैक ऑन है ना ऑर्डर फॉर तो वैसे ही डिस्क्राइब का मतलब ही क्या होता है किसी चीज का विवरण देना तो आंसर इज सी नेक्स्ट पर आते हैं वी आर नॉट श्योर दैट ही इज कमिंग टू द पार्टी हम श्योर नहीं है कि वो पार्टी में आ रहा है ठीक है तो जल्दी से बताओ बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेल डन देखो भाई सब लोगों के बढ़िया जवाब शकील प्रिंस रचना स्वाति हाँ अभी नाम मैराथन चल रहा है ना तो इसीलिए लंबी हो जाती है क्लास सात दिन के बाद वापस हम ट्रैक पे आ जाएंगे है ना तो कोई दिक्कत नहीं है ये तो आप लोगों को डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हो है कि नहीं चलिए भाई क्या हो सकता है यहाँ पर तो बिल्कुल सही बात भैया देखो नॉट श्योर sure है मतलब कंफर्म नहीं है कंफर्म नहीं है तो दैट तो आएगा ही नहीं इफ आएगा इफ वेदर जब किसी चीज के लिए हम कंफर्म नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं इफ या वेदर तो आंसर के लिए क्या हो जाएगा दैट इज बी अगर यहां होता वी आर श्योर दैट ही इज कमिंग टू द पार्टी तो भैया दैट सही था नॉट श्योर sure है मतलब सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो आएगा नहीं आएगा तो आंसर के तौर पर इफ या वेदर क्लियर ठीक है आगे बढ़ लेते चलिए भाई सो so, दस सेकंड में आपको आंसर करना है एक वर्ड में ठीक है वॉट डू यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ दस सेकंड का समय है, सब लोग जल्दी से जवाब दें चैट बॉक्स में आई एम लुकिंग से सब लोग हाँ दोनों बिल्कुल सही चलिए भाई देखते हैं भैया क्या क्या बनना चाहते हैं आप लोग लेट्स इन योर लाइफ लिख दो जल्दी से बी ए बी सी डी जवाब मत देना इसमें आ रहे हैं क्या हो सकता है क्या चाहते हैं हम अपने जीवन में जरूर बताएं सभी लोग ठीक है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक बार वापस से उस क्वेश्चन को डिस्कस करें जिस क्वेश्चन ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया क्या था द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट राइट बिलेनियर क्या बात है जबरदस्त आंसर आ रहे हैं लोगों के बिलेनियर ह्यूमन बीइंग आईएएस ऑफिसर

डिटेक्टिव क्या बात है टू बी मुकेश हममानी अरे जबरदस्त अब वुमेन ऑफ माय चॉइस वेरी वेल डन क्लास वन ऑफिसर सुपर यार सब लोगों को देखो भाई ड्रीम्स तो सबके पूरे होंगे ड्रीम्स को हमेशा लिख लो उस जगह पर जो आप बनना चाहते हो है ना चलिए भाई तो इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं द डॉक्टर इजTreating द पेशेंट देखो भाई यहां परTreating आ रहा है कंटिन्यूटी ठीक है हम लोग जानते हैं डॉक्टर का, का काम पेशेंट को ट्रीट करना है ठीक है लेकिन अगर आप देखें जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर इज ड्राइविंग अ कार अब इसका मतलब ये नहीं है सचिन के द्वारा कार हमेशा ड्राइव की जाती है वो उसका काम नहीं है यहां पर आप देखोगे जैसे मैंने बोला अ प्लेयर इज प्लेइंग द गेम ठीक है मतलब प्लेयर कुछ और भी काम कर सकता है तो कंटिन्यूटी सिर्फ उस मोमेंट की बात करती है इसीलिए प्रायोरिटी हमें बाई डॉक्टर को देनी पड़ेगी बस मेरा पॉइंट ये था बाकी गलत नहीं है जो आप बोल रहे हो लेकिन वो फैक्चुअल चीजों में जब हम बात करेंगे यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे तब वो चीजें सही होती है क्लियर आई होप थोड़ा सा बात क्लियर हो गई होगी चलिए भैया संडे संवाद है कल नौ बजे सभी लोगों को अपने क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं आपको एस एस अड्डा पर जाना है कम्युनिटी में आपको पोस्ट करना है स्क्रॉल डाउन करना संडे संवाद के क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई है नहीं है तो देखो यार लाइव वाले क्वेश्चन मत करना क्योंकि वहां पर हॉच होता है और उन लोगों के क्वेश्चन के आंसर रह जाते हैं जो सही में क्वेश्चन करते हैं सो कम्युनिटी पोस्ट में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं ठीक है थीके? चलिए भाई आज आपको पता है वीआर लाइव विद डबल वैलिडिटी जैसे मैंने आपको बोल दिया है एसएससी महापैक और मेरे भाई एसएससी फाउंडेशन तो स्टार्ट हुआ ही है सबसे बढ़िया ऑपर्चुनिटी है 24 महीने के लिए 24 मंथ्स जिनमें आपको इतना कुछ मिलेगा इतने सारे बैचेस हैं मुझे लगता है टियर 1 टियर 2 टियर 3 सब कुछ मिल जाएगा तो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑपर्चुनिटी राइट 24 मंथ्स कोड यूज करना है आपको Y278 ये ध्यान रखना कोड यूज करना है एप्लीकेशन तो सेवेंटी एट परसेंट ऑफ मिल जाएगा तो योर्स आप लोग क्या करना चाहते हैं क्लियर एवरी वन अगली जो क्लास है आपके ज्योमेट्री की रहेगी मेरे भाई ज्योमेट्री की क्लास अगली है आपकी पांच बजे आपको जुड़ना है उसमें भी ठीक है अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पर शो और करता हूँ कि आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि सब लोगों को कल है ना जुड़ना है किसी भी तरह से इस सेशन में दस बजे है ना वन टे वन हैंड है ना मेरे भाई एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आ जाना सब लोग वन वन हैंड सुबह दस बजे ठीक है डोंट मिस दिस प्रीमियर होगा सब साथ में देखेंगे मैं भी देखूंगा आप लोगों के साथ ही है ना तो संडे संवाद के तुरंत बाद चले चलेंगे सब लोग ठीक है ना तो चलिए भाई अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा थैंक यू सो मच यार फॉर योर टाइम आप लोग सारी चीजें सीख गए होंगे और इसी तरह से जुड़े रहिए रही के साथ जय हिंद वन राधे राधे बोलो बाके बिहारी लाल की जय थैंक यू वन हैंड का यही तो फायदा है। एक बार बॉल ड्रॉप हो भी गई तो उसे पकड़ने का सेकेंड चांस हमेशा मिलता है ऑल्सो डाउनलोड अट्वेंटी फोर